वेलकम बैक स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने करा था और 11 तक। क्वेश्चन नंबर 12 आज करना है। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखो नोटबुक पर, वी हैव टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 4 डिवाइड बाय रूट एक्स डी एक्स। एक्स क्यूब प्लस 3x + 4 डिवाइड बाय रूट एक्स डी एक्स। पेज नंबर 299 क्वेश्चन नंबर 12। जरा इस पर ध्यान दीजिए, ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इस टर्म को आप हम सिंपलीफाई करेंगे। देखो ये टर्म एक्स क्यूब प्लस 3x + 4 डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स। इसको सिंपलीफाई इस तरह करेंगे, एक्स क्यूब डिवाइड बाई ये रूट एक्स इसके नीचे भी है, प्लस 3x डिवाइड बाई ये रूट एक्स इसके नीचे भी है, प्लस 4 डिवाइड बाई रूट एक्स इसके नीचे भी है। अब ये क्या आएगा, देखो ये यहाँ लेंगे, ये रहेगा एक्स रेज पावर 3, ये नीचे एक्स रेज पावर रूट की जगह 1/2 होता है। अगर ऊपर ये लेंगे ये बनेगा एक्स रेज पावर -1/2, है कि ना। फिर 3 एक्स रेस्ट पावर 1 है, इसके साथ ये एक्स रेस्ट पावर -1/2 ऊपर जाके ये 1/2 है, ऊपर लेंगे तो ये -1/2 पावर बनेगा, बिकॉज वी नो दैट 1 डिवाइड बाई ए रेस्ट पावर 1 इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर -1, एक्सपोनेंट ला है ये। इसी तरह से ये 4 इंट एक्स रेस्ट पावर, ये नीचे 1/2 है, ये ऊपर -1/2। तो ये क्या बना हमारा, व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडिड। लाइकवाइज यहां भी ये होगा, एक्स रेज पावर 3 प्लस -1/2 हो गया माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, प्लस 3 इंटू एक्स रेज पावर 1 -1/2 ये बेसिकली एड होता है यहां पर, लेकिन प्लस माइनस कैंसल आउट, दैट कम्स टू बी इक्वल टू माइनस, छोटे नाराज हैं 4 रेज पावर एक्स -1/2। तो ये देखो यहां कैंची होगा, 3 टू द 6 6 माइनस 1 दैट इज 5/2 प्लस 3 2 माइनस 1 1/2 प्लस 4 एक्स रेस्ट पावर -1/2 इट विल बी एज लाइक इट इज। तो ये टर्म जो है हमारी इस चीज के बराबर आ गई, सो दैट वी कैन राइट हियर इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x + 4 डिवाइड बाई रूट एक्स डी एक्स, वो हमारा इसके बराबर आ गया, एक्स रेस्ट पावर 5/2 प्लस 3x रेस्ट पावर 1/2 प्लस 4x रेस्ट पावर -1/2 डी एक्स। ब्रैकेट क्लोज। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया। सी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस्ट पावर 5/2 डी एक्स और इसका प्लस 3 बाहर एक्स रेज पावर 1/2 डी एक्स, ये पार्ट्स है ना, प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पावर -1/2 डी एक्स, इन तीनों का निकालिए। कैसे निकालेंगे, हमें पता है इसके लिए फॉर्मूला कौन सी है, एक्स रेज पावर n इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, यही है ना। तो यहां पर n की जगह 5/2 है। पेज नंबर 290 पर जितने भी वो फॉर्मूला दिए हैं वो आपने मेमोराइज की होंगी, देख ली भी होगी। अच्छा अब देखेंगे, according to the formula 5/2 + 1 / 5/2 + 1 ये, और इसी तरह ये x raised power 1/2 + 1 / 1/2 + 1 इसी तरह ये 4 raised power x raised power -1/2 + 1 / -1/2 + 1 तो ये किस चीज के बराबर आई, x raised power यहाँ पर कैंची 5 + 2 ये आ गया 7/2 डिवाइड बाई, इसी तरह से ये भी आएगा हमारा 7/2, इसी तरह इसको लेंगे ये आएगा 3/2 डिवाइड बाई 3/2, इसी तरह इसको देखिए 1 - 1/2 दैट इज 1/2 4 एक्स रेज पावर 1/2, इसी तरह से 1 - 1/2 दैट इज 1/2। हाँ तो लाइक वाइज ये ऊपर जाएगा 2/7 एक्स रेज पावर 7/2। यहाँ पर एक चीज देखिए, ये प्लस
सी कौन सा ग्राफ इंटीग्रेशन ये लिखना ना भूले, प्लस 2 by 3 इट इज एक्स, 3 भी साथ में एक्स भी है, 2 by 3 और ये है 3 एक्स रेज पावर 3 by 2, 3 गोज आउट। और इसी तरह ये 4 into 2 by 1 एक्स रेज पावर 1 by 2 प्लस, ये देखो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया 2 और 7 एक्स रेज पावर 7 by 2 प्लस, ये हमारा किसके बराबर है 3 गोज आउट, ये 2x रेज पावर 3 by 2 आ गया और ये आ गया 8x रेज पावर 1 by 2 प्लस c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका अच्छे से स्नैपशॉट लीजिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, वेट फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन डी एक्स, ये चीज ढूंढनी है। तो जैसे हम 12 में किया था इसी तरह हम यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा सिंपलाई करके, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, टेंथ की जैसी टर्म है वहां पर जो हम कॉमन निकालते थे। देखो इसको अगर इवेलुएट करेंगे सिंपल सिंपलीफाई, देखो ये दो चीजें हैं इनमें क्या कॉमन है, हाइस्ट डिग्री यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, इन दो चीजों को अगर देखें तो एक्स स्क्वायर तो ये क्या बचेगा यहाँ पर 2x से बाहर, यहाँ 1 रह गया, अब दोनों के दोनों x बाहर, यहाँ 1 एंड एक्स स्क्वायर है ऐसे समझो आप, तो फिर यहाँ पर 1 ही रह गया क्योंकि 1 क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के साथ भी मल्टीप्लाई किया जाए। अच्छा प्लस इसी तरह यहां पर हम काम करेंगे, यहां पर हम माइनस वन बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये देखो यहां पर माइनस वन है क्वेश्चन में, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है हाँ, तो ये देखो यहां पर अब हमने यहां पर प्लस वन निकालेंगे, वन यहां पर प्रेजेंट है एक्स आएगा और यहां पर भी है 1 into 1 हाँ, तो दो टर्म सेम आ गई और ये किए तो ये क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक तो ये टर्म निकली और दूसरी वाली इन दोनों में से एक्स माइनस वन, जो ये टर्म है ये वाली फाइनली ये सॉल्व करके यहां पर सिंपल करके यहां पर आ गई। तो इसके बाद हम ये लिख सकते हैं, तो नाउ कम टू द क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स प्लस वन, तो वो इस चीज के बराबर है, ये देखो इसके बगैर ये चीज जो है ना ये चीज इसके बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ये आ गई, नीचे डिवाइड बाय एक्स माइनस वन है और यहां पर भी एक्स माइनस वन डिवाइड है, फुल टर्म लेंगे तो एक्स माइनस वन ये डिवाइड हो गए यहां से। अच्छा तो ये एक्स माइनस वन ये एक्स माइनस वन यहां से जाएगा, फाइनली हमारी टर्म क्या बच गया, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, हाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स दो टर्म है, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, तो फॉर्मूला यूज करो एक्स रेज पावर एन वाली, तो एक्स रेज पावर 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स एक्स, ये आ गया हमारा एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस एक्स प्लस सी। 13 के बाद हमारा कौन सा है क्वेश्चन नंबर 14, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, ये भी इसी के जैसा है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था, ये आप खुद कर लोगे। 13 का स्नैपशॉट उठाइए, अब हम 14 आपके लिए होमवर्क है, कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप आपको मैंने नंबर ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट किया है आप बोल सकते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो इस ये सॉल्व करने तो कैसे करेंगे, लाइक वाइज अब यहाँ ये बीच वाली टर्म हम लेंगे, ये एक्स रेस्ट पावर 1 by 2 है इंटू है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका हम देखेंगे x के बराबर है, ये आ गई एक्स रेस्ट पावर 1 by 2 इसके साथ भी लगेगा, ये 3 इंटू एक्स रेस्ट पावर 2 है और ये 1 by 2 साथ में प्लस होगा बेस आशा है पावर शुरू, इसी तरह से 2 इंटू
x raised power 1 plus 1 by 2 plus 3 into x raised power 1 by 2 जिस तरह पीछे हम करते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 plus 1 by 2 2 2 जा 4 plus 1 5 by 2 3x raised power 5 by 2 plus इसी तरह ये 2 into x raised power 3 by 2 जिस तरह मैंने अभी कराया था आपको 3x raised power 1 by 2 हाँ तो ये टर्म आ गई। इसके बदले हम ये लिख सकते हैं now come to the question root x into 3x square यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए we know हाँ 3x square plus 2x plus 3 dx वो किस चीज के बराबर आ गई वो तो इसके बराबर आ गई 3x raised power 5 by 2 plus 2x raised power 3 by 2 plus 3x raised power 1 by 2 dx तो आप देखो यहाँ पर 3 integral of x raised power 5 by 2 dx plus 2 integral of x raised power 3 by 2 dx plus 3 integral of x raised power 1 by 2 dx तो ये आसान है खुद ही कर सकते हो लाइक वाइज जैसे मैंने वहां पर किया था 5 by 2 n plus 1 divided by 5 by 2 plus 1 similarly इसका 2 into x raised power 3 by 2 plus 1 divided by 3 by 2 plus 1 इसी तरह 3 into x raised power 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 plus 1 इसके आगे ये सिंपल मैथ्स है ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 ये सिंपल मैथ्स है इसका आंसर खुद निकाल लेना 2x इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 3 cos x माइनस प्लस है ये e रेज पावर x dx ये क्वेश्चन कैसा है ये बहुत ही आसान है 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज पावर x ब्रैकेट्स क्लोज dx तो किसके बराबर आएगा ये तीनों टर्म में ये आएगा पहली वाली टर्म 2 into x रेज पावर 1 dx है कि ना माइनस 3 इंटीग्रल ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e रेज पावर x dx ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहे हैं x रेज पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड 1 प्लस 1 अलजेब्रिक के लिए यही फॉर्मूला है 3 इंटीग्रल ऑफ cos x किसके बराबर है फिर वही फॉर्मूला वाली बात इंटीग्रल ऑफ cos होता है sin x 1d डेरिवेटिव में भी दिखाया था e रेज पावर x dx की फॉर्मूला e रेज पावर 1x डिवाइडेड 1 प्लस c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पर भूल गया फिर से। अच्छा देखो तो ये आ गया हमारा 2 into x raised power 2 divided by 2 ये 2 2 जाएगा यहाँ पर minus 3 sin x plus e raised power x plus c that's final ये final किसके बराबर आ गया यहाँ देखो final answer इसका है x square minus 3 sin x plus e raised power x plus c इसका अच्छे से स्नैपशॉट लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ अगर हम देखेंगे ये देखो ये वाली टर्म 2 into x raised power 2 plus 1 x cube divided by 3 minus 3 sin of integral हो गया cos x और 5 x raised power 1 by 2 plus 1 divided by 1 plus 1 by 2 plus 1 मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 16 से मेल खाता है और बाकी क्वेश्चन से भी ये आप होमवर्क कर रहे हैं कोई क्वेरी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ वहां पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो नंबर भी दिया हुआ मैंने पिछले वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रल ऑफ sec x ब्रैकेट स्टार्ट sec x plus tan x dx देखो ये चीज हाँ तो क्या करेंगे ये आएगा इंटीग्रल ऑफ sec x sec square x प्लस इंटीग्रल ये आ गया sec x tan x dx हाँ देखो अब इन दो चीजों पर एक तो इंटीग्रल ऑफ sec square x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ sec x tan x dx इंटीग्रल ऑफ sec square x किसके बराबर है पेज नंबर 290 आप देख लीजिए इंटीग्रल ऑफ sec square x होता है बराबर tan x प्लस इंटीग्रल ऑफ sec x tan x वो होता है sec x प्लस सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये इसका सिंपल सा आंसर है।